क्या बोलती मंडली, क्या बोलती भाई। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। वी आर टॉकिंग अबाउट नेहरू कप इन दिस वीडियो। हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान की जो बड़ी डर्बी है आज, उसके बारे में बात करेंगे। एंड हम लोग वो भी बात करेंगे दैट रेफरिंग शिट लेवल रेफरिंग इन दैट बेंगलुरु एफसी वर्सेस गोवा एफसी मैच। तो लाइक नॉट ओनली दैट मैच, पूरे आईएसएल टूर्नामेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो लेवल ऑफ रेफरिंग रही है बार। नेहरू कप, ओजी नेहरू कप भाई, ये टूर्नामेंट को लेके डिबेट ही नहीं हो सकती, क्योंकि यार ये टूर्नामेंट देखो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। हमने यूरुग्वे से खेला इस टूर्नामेंट में मैचेस, अर्जेंटीना से खेला है, कैमरून से खेला है, इस जर्मनी से खेला, सोवियत यूनियन, तजाकिस्तान, सीरिया, ऐसे अनगिनत टीम से बड़े बड़े फुटबॉल पावर हाउस के साथ में इंडिया खेली है आमने सामने, राइट। बट 1997 में कुछ स्पॉन्सरशिप रीजन के लिए की वजह से यू नो ये टूर्नामेंट को सैक करना पड़ा था, एंड उसके बाद इसको रिवाइव किया गया इन 2007 थैंक्स टू बॉब हॉटन, जो वो इंडियन कोच थे, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कोच आई विल से, क्योंकि उनके अंडर हमने 2007 का नेहरू कप जीता, 2009 का नेहरू कप जीता, एंड हमने इवन 2012 का भी नेहरू कप जीता था। तो उसके बाद हमने एएफसी का जो चैलेंज कप होता है वो भी जीता था। तो बहुत तगड़े तगड़े टीम्स को हराए थे भाई, तजाकिस्तान को हराया था हमने, सीरिया को हराया था दो बार, उसके बाद हमने कैमरून को हराया भाई, कैमरून को हराया बाय द वे, 2-2 का फुल टाइम स्कोर था, पेनल्टीज में 5-4 पे हराया था कैमरून को। तो अगर आज के डेट में आप बात करोगे कैमरून को, तो क्या लगता है आपको हरा पाएंगे हम लोग उनको भाई? क्लोज भी नहीं भाई, वो लोग वाट लगा लेंगे अपनी, सही में बता रहा हूँ, आई एम बीइंग सीरियस हियर, ठीक है। तो यार एक ही सवाल है, क्या नेहरू कप रिवाइव हो सकता है? ये नेहरू कप रिवाइव हो गया, क्या बड़ी टीम्स आके इंडिया में खेल सकती हैं? क्यों नहीं खेल सकते? पहले भी जब हमारी रैंकिंग इतनी कुछ खास नहीं थी तो आते थे बाहर से टीम्स एंड हमारे साथ खेलते थे भाई। जब एक ऐसा प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट हो ना तो जरूर आते हैं। और देखो हम लोग जब टारगेट करते हैं ना, कुछ टीम्स को हम लोग टारगेट करते हैं कि यार हम ऐसे ऐसे टीम्स को बुलाएंगे हमारे टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ट्राई करना चाहिए ऑलवेज 80-90 की रैंक टीम्स, या 80-100 रैंक टीम्स, या 70-100 रैंक टीम्स, इसमें से 4-5 टीम्स को इनवाइट करो, ठीक है। 4-5 टीम नहीं आएंगे, 2-3 टीम आएंगे, उसके बाद जो हमारे सैफ नेशंस है उनको भी इस टूर्नामेंट में इनवाइट करो, खेलो इनके साथ में। तो इससे क्या होगा ना, इससे अपनी जो टेक्निकल एबिलिटी है, प्लेइंग एबिलिटी है, जो वो अपने आप बढ़ जाएगी, जो हमारा एटीट्यूड है प्लेयर्स का वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कॉन्फिडेंस है प्लेयर का वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइव कप्स लाइक नेहरू कप, ठीक है यार। आप नेहरू कप ना बुलाओ उसको, आप कोई इंटरकॉन्टिनेंटल कप, बिकॉज आई थिंक 2016 में चेंज किया गया था, इट वॉज नेम्ड इंटरकॉन्टिनेंटल कप, आई डोंट नो इफ इट वॉज द नेहरू कप ओनली जिसको हमने चेंज किया था, बट ऐसे टूर्नामेंट्स कराओ यार, ऐसे टूर्नामेंट्स कराओ। एंड मैं नेहरू कप की क्यों इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, बिकॉज नेहरू कप में हमने बहुत बड़े टीम्स के साथ में खेले, टीम्स का तो नाम मैंने बता दिया आपको। तो वो वाली चीज होती है ना कि एक बहुत प्रोमिनेंट एंड प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है, मैं और एक बार बता रहा हूँ ये। तो अगर इसको रिवाइव करते हैं तो हम लोग जरूर बड़े टीम्स के साथ में खेल सकते हैं, एंड जब हम बड़े टीम्स के साथ में खेलते हैं तो जो ऑडियंस है, जो अभी इंडियन फुटबॉल को नहीं देखती, इंडियन नेशनल टीम को नहीं देखती, वो भी जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जुड़ने से देखो, पहले तो AIFF को बहुत फायदा होगा, इंडियन फुटबॉल को बहुत फायदा होगा, और हम सबको फायदा होगा यार। जब इंडियन फुटबॉल ग्रो करेगा तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो बड़े बड़े टीम्स आएंगे इंडिया को देखना, हम लोग को भी इन्हें देखने में मजा आएगा। अभी ठीक है, आप अगर बात करोगे यार हम लोग तो ब्राजील को, अर्जेंटीना को बुला नहीं सकते इंडिया को, भाई उनको मत बुलाओ, वेनेजुएला जैसी टीम है, पेरू जैसी टीम है, इवन मेक्सिको जैसी टीम है, मेक्सिको भी बहुत तगड़ी टीम है, बट उनको भी बुला सकते हैं हम लोग। यूएई जैसी टीम है, सऊदी जैसी टीम है, देखो हम लोग यूएई के साथ में खेलते हैं, सऊदी के साथ में खेलते हैं, कतार के साथ में भी खेले, बट इंडिया में नहीं खेले ना। तो आपको जब इंडिया में खेलना है तो इनको इन्वाइट करना पड़ेगा, यूएई जैसी टीम है ना उनको इन्वाइट करना पड़ेगा यार। यूएई ठीक है, वियतनाम को इनवाइट करो, सिंगापुर को इनवाइट करो, इवन मलेशिया इज अ वेरी गुड टीम, इंडोनेशिया भी बहुत तगड़ी टीम है, उनको इनवाइट करो, उनके लिए उनके साथ में टूर्नामेंट्स रखो। तो आई थिंक हो सकते हैं इन फ्यूचर, बट आई थिंक होता ना यार ये कि एक हमारी मेमोरीज जुड़े हैं नेहरू कप से, इसके लिए मैं इस वीडियो में नेहरू कप के ऊपर बात कर रहा था। अरे उसकी देखो प्राइड है इस कप में, बहुत बड़ी लेगेसी इस कप की, एंड आई थिंक AIFF को इस चीज में देखना चाहिए, ये कप में थोड़ा झाके देखना चाहिए, इसको हम अगर रिवाइव कर सकते हैं या फिर इसके बदले हम लोग कुछ एक ऐसा टूर्नामेंट कर सकते हैं जो बहुत प्रेस्टीजियस रहा हो इन द पास्ट, तो बहुत मजा आएगा देखने के लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ना यार, अपने आप व्यूअरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप जो बंदे हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बाय द वे नेहरू क्लब कप बोल के भी एक कप होता था जिसमें इंटरनेशनल क्लब्स आके इंडिया में खेलते थे, बहुत सारे मैक्सिकन क्लब्स, अर्जेंटीनियन क्लब्स, इवन ब्राजीलियन क्लब्स इंडिया में आके खेले हैं अगेंस्ट इंडियन क्लब्स। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यू नो टू रिवाइव, आई थिंक AIFF शुड रियली लुक इनटू दिस। एंड ऐसे बहुत सारे कप्स हैं, जैसे फेडरेशन कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, कलिंगा कप हो गया, एंड उसके बाद IFA शील्ड हो गई, बिकॉज IFA शील्ड 2021 में लास्ट खेला गया था, उसके बाद आई थिंक 2022 में तो मैचेस नहीं हुए, आई होप कि 2023 में हो जाए तो और मजा आ जाएगा। तो ऐसे कप्स एंड ऐसे मैचेस रहेंगे तो यार ऑटोमेटिकली जो इंडियन प्लेयर्स 30 से 35 मैच खेल रहे हैं साल में बहुत मुश्किल से,
वो कम से कम 55 से 60 मैचेस खेलेंगे एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सुधार आएगा उनकी गेम यू नो गेम प्ले में, गेम टाइम के साथ में ही सुधार आता है भाई, ऐसे घर बैठे बैठे सुधार नहीं आता है। तो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक भाई, सबसे बड़ी हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ द बंगाल डर्बी, द बिग डर्बी, द बिग डर्बी, बट टॉकिंग अबाउट मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल। ये डर्बी को लेके बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे ट्विटर पे ट्रेंड्स हो रहे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बातें हो रही है, बहुत सारा फेसबुक पे डिस्कशन चल रहा है। भाई एक ही बात चल रही है कि बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो बॉयकॉट इसी चीज़ के लिए वजह से हो रहा है, जो ओनर्स हैं एंड जो फैन ग्रुप्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन गैप है, छोटी मोटी नहीं है। बिकॉज जब गोयनका ग्रुप यू नो मोहन बगान के हिस्सा हुआ या फिर उन्होंने खरीदा उनको, प्रॉब्लम ये थी ना कि मोहन बगान वॉज गोइंग इन टू डेप, तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे बहुत बढ़ने वाले थे। आप पता नहीं फॉर सम रीजन आप वो बात लेके नहीं सोच रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्या कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द ओनर्स एंड द यू नो फैंस। आई थिंक देर इज अ बिग ह्यूज यू नो क्या बोलते हैं उसको कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि वो क्लियर पिक्चर दे नहीं पा रहे ना, फैंस क्लियर पिक्चर ले पा रहे हैं उनसे। बिकॉज देखो जब तक पैसा नहीं आएगा ना फुटबॉल आगे बढ़ नहीं पाएगा। कभी कभार क्या होता है टैलेंट के साथ में पैसे की जरूरत होती है, तो ये वाला सीन है विद मोहन बगान। एंड ईस्ट बंगाल की तो अलग कहानी है, ईस्ट बंगाल के फैंस खुश नहीं है विद द ओनर्स, बिकॉज ईस्ट बंगाल लास्ट 10 साल से कुछ अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि यार ईस्ट बंगाल इज अ लेजेंडरी क्लब। एंड जब आपके ओनर्स हो या फिर आपकी टीम हो जब डिलीवर नहीं करती, तो मैं मानता हूँ यार होता है फैंस गुस्सा हो जाते हैं, तो वो वाली चीज चल रही है ईस्ट बंगाल के साथ में। बट यार देखो बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, गो आउट देयर सपोर्ट योर टीम्स विच यू नो लव। यार साथ देना पड़ता है, कभी कभार टीम का जब खराब दौर चलता है ना साथ देना पड़ता है, कभी कभार एक ऐसे कंक्लूजन पे आना पड़ता है, एक ऐसे टाइप यू नो क्या बोलते हैं एक सोल्यूशन पे आना पड़ता है कि यार आप एंड जो ओनर्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके आप एक सोल्यूशन पे आएंगे ना, तो मेरे ख्याल से जो मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल की जो राइवलरी है, जो डर्बी है द बिगेस्ट डर्बी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डर्बी इन द वर्ल्ड, वो फिर से वो सेम मैजिक लेके आ सकती है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि कल का मैच बहुत तगड़ा हो, वी सी लॉट ऑफ क्राउड देयर, लॉट ऑफ नॉइज देयर एंड मजा यार देखने के लिए, तो वो वाली चीज होती है। एंड द लेवल ऑफ रेफरिंग यार, तो जो रेफरी है ना, जो आईएसएल के रेफरी है ना भाई लोग, वो रेफरी मेरे हिसाब से ना जो लोकल यहाँ पे लीग्स होते हैं लोकल, उनके रेफरीज उनसे अच्छे होते हैं। मैं सही सही बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द रेफरीज हियर इन द लोकल एंड आई हैव सीन द रेफरीज इन द आईएसएल। तो इतना घटिया रेफरिंग ना, मैं सही बता रहा हूँ यार, लोकल लीग्स में भी नहीं होता। ठीक है कभी कभार ऑफसाइड में रॉन्ग हो जाता है, आई नो वी आर नहीं है आईएसएल में, आई नो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए दैट ऑल्सो आई नो, बट भाई जब एक टीम अटैक पर हो एंड एक सॉफ्ट फॉल हो जाता है, आप गेम ऑन देने का छोड़ के आप क्या कर रहे हो, गेम को रोक रहे हो, खेलने दो यार। इट वॉज अ सॉफ्ट फॉल, डजंट इवन मैटर उसने, सीरियसली मैन दिस रेफरीज, मैं बता रहा हूँ यार सीरियसली बता रहा हूँ। आई थिंक बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग आईएसएल इसीलिए नहीं दिख रहे कि जो रेफरी का लेवल है ना, जो रेफरीज का लेवल है बहुत घटिया है, बहुत पुअर है। दे नीड टू बी गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग, सीरियसली बता रहा हूँ। आई नो आप बोलोगे यार ये तो यूट्यूब यू नो यूट्यूब पे बैठ के बस बकवास कर रहा है, रेफरी होना कितना मुश्किल है। आई नो भाई ये वाली बात मेरे से ना करो प्लीज, बिकॉज आई हैव सीन देखो प्रोफेशनल एंड लोकल में इतना बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। But when the professional referees don't behave professional, we have all the rights to criticize them. And that's what I am doing in this video. वो वाली सीन है भाई, मुझे नहीं बताओ ठीक है। तो और एक बात है AIFF का जो अभी चैनल था यूट्यूब पे, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसकी, आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखना। तो वहाँ पे एक बचकाना सा रीजन आता है फ्रॉम कल्याण चौबे, अब देखो He is a very professional guy. I know he is a very professional guy. But देखो यार, because reason देना अच्छा नहीं होता, you have to work on it. तो आप reason दे रहे हो यार कुछ you know थोड़े लोग jealous हो सकते हैं, थोड़ा बड़ा conspiracy theory है वगैरह वगैरह फलाना डिमका, भाई इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे fans का। हमारे fans को क्या चाहिए, proper streaming with you were giving, but suddenly आपका channel terminate हो गया, तो उसके वजह से हम लोग बहुत नाराज है भाई। संतोष ट्रॉफी हम लोग कहाँ देखें, you are not giving us any links apart from YouTube. तो भाई हम लोग कहाँ देखें, जब फैन जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में, आप पूरे मीडियंस कार्ड देते हो, आप एक प्रॉपर चैनल रखो किसी चीज का, आप एक प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर लो, आप एक ट्विटर का मैनेजर हायर कर लो, या एक आदमी संभाल सकता है यार, यूट्यूब अकाउंट, योर ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट एंड वॉट एवर एल्स अकाउंट्स यू हैव, वन प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजर जिसको नॉलेज हो, जिसको चीज की नॉलेज हो। अगर आप किसी भी एरेगरे को बैठा रहे हो तो भाई ये टर्मिनेशन तो होता रहेगा।
तो आई थिंक ए आई एफ एफ शुड रियली लुक इन टू यू नो देयर हायरार्की एंड ट्राई टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन यू नो द बॉडी. तो ये वाला चीज़ है भाई. तो यार बस इतना ही रैंट करना था अबाउट वट एवर आई डिड. आई थिंक आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं भाई लोग. तो जो भी आपके ओपिनियंस है नीचे कमेंट सेक्शन में डालना. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको दबा देना, लाइक बटन भी दबा देना, मेरे साथ जुड़े रहना भाई लोग. यहाँ पे मेरे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना, आप मुझे डीएम करते रहना. आपके जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग कोचिंग, रिगार्डिंग यू नो इंडियन फुटबॉल, रिगार्डिंग यूरोपियन फुटबॉल, एनीथिंग, आई एम हियर टू आंसर एवरीथिंग. जो भी मुझे नॉलेज है आई विल ट्राई टू पास इट ऑन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत.